चैनल पे आप लोगों को स्वागत करता हूँ। मैं जो न्यू बाइसन सिग्नल कम स्किनर बनाया उसी को आप लोग को स्किन करके दिखाता हूँ। मैं कुछ दिन स्किन करके दिखाऊंगा, उसके बाद स्किन करके आप लोग को वीडियो बना के दूंगा। स्किन करने का मकसद ये है कि आप लोग को समझना ठीक से कि ये बाई और बाइसन लेवल कैसे देखना है, इसीलिए आप लोग को दिखाता हूँ। फर्स्टली मैंने ये फिल्टर कर लेते हैं, हंड्रेड के ऊपर कर लिया। उसके बाद वोलेटिलिटी को ग्रेटर देन टू कर लिया। उसके बाद डिलीवरी परसेंटेज को लेस देन इक्वल टू 20 करता हूँ, और मार्केट तो नीचे जा रहा है, चेंजिंग प्राइस ठीक है, पॉजिटिव ही तब भी पॉजिटिव देखता हूँ। कौन सा चेंजिंग प्राइस पॉजिटिव आया है, कौन सा पॉजिटिव आया है, अगर इंटरेस्ट तो कम ही है ठीक है, उसको छोड़ देता हूँ। इसको सोच लीजिए आप लोग, ये सबको आप लोग बाई सेल लेवल देख रहा है। तो ये देखिए, ये बाई अबव जो है, बाई अबव मिडिल में रहेगा, बीच में रहेगा बाई अबव। उसके बाद टारगेट 1, टारगेट 2, टारगेट 3, टारगेट 4 ये बाएं तरफ दिखना है, और टारगेट 4 के बाद टारगेट 5, टारगेट 6, टारगेट 7 और टारगेट 8 ये डायने तो मिडिल बाई अबव का डायने देख रहा है राइट साइड में। और सेल लेवल में भी ऐसा है, सेल बिलो इतना मिडिल में बीच में रहेगा, और टारगेट 1, टारगेट 2, टारगेट 3 और टारगेट 4 ये लेफ्ट साइड में दिखेगा, और ये राइट साइड में दिखेगा टारगेट 5, टारगेट 6, टारगेट 7 और टारगेट 8। ये टारगेट 8 होगा, इसमें देखिए, इसमें जो बाई अबव और टारगेट 1 के बीच में है ये दिखा रहा है, ये टारगेट 1 और टारगेट 2 में 2 का बीच में जो है वो दिखा रहा है, 2 वैल्यूज में। इसमें सेल सेक्शन में कुछ नहीं दिखा रहा है इसका, ये आप लोग ऐसे ही देख सकते हैं, आप लोग का पसंद का स्टॉक भी देख सकते हैं, नहीं तो ये 2 वैल्यू देख के भी आप लोग स्किन करके उसके ऊपर नज़र रख सकते हैं कौन सा में लेवल आया है, कौन सा लेवल में कौन सा है। इसमें देखिए सेल लेवल में भी है ठीक है, और मैंने इधर पहले तो ये नीला वाला कलर में स्टॉक को दिखाता हूँ, स्टॉक्स का लेवल देता हूँ। और इसमें ये हरा वाला कलर में मैंने कमोडिटी देता हूँ, और ये वाइट में बैंक निफ्टी और निफ्टी का फ्यूचर देता हूँ, और ये पिंक कलर में मैंने बैंक निफ्टी और निफ्टी का इंडेक्स का लेवल देता हूँ, और इसमें ये पूरा फ्यूचर्स का लेवल देता हूँ। तो ये आप लोग को मैंने ये एंड ऑफ द डे बनाता हूँ, मैं कुछ दिन पूरा फाइल लोड कर दूंगा, वो आप लोग को मेरा वेबसाइट www.stocktradingadvisor में आप लोग को मिल जाएगा, www.stocktradingadvisor.wordpress.com में मिल जाएगा।
उसके बाद अब लोग